क्या बायां पैर रखकर नीचे उतर गई? दायां पैर घर में रखा जाता है, बायां पैर कहीं भी रख सकते हैं। चलो सही कह रही हैं आप, चलिए जाओ भाई। आजी सुनिए तो, यही है अब उनका ताजमहल। नमस्कार छोटे मालिक। नमस्ते अंकल। क्या बात है, ऐसे आ गए? आपकी मदद चाहिए पिताजी। मदद? हाँ। और मुझसे? हाँ। ये कौन है मालिक? ये वसुंधरा है। नमस्ते मामा जी। नमस्कार मामा जी। बोली छोटे मालिक, कौन है ये लड़की? आपकी रिश्तेदार है। मेरी रिश्तेदार? मेरा कोई भी नहीं है। आपकी बहन की लड़की है ये? अरे मेरी कोई बहन भी नहीं है। ये झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा, गांव में आपको सबको बताना पड़ेगा कि ये आपकी भांजी है। क्या है ये सब, ये क्या है मालिक? देखिए अंकल, मेरे भैया ऐसे तो शादी करने से रहे, इसलिए चाहे जितना भी झूठ बोलना पड़े लेकिन इसके साथ भैया की शादी करवानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए आपको और भी नाटक करने पड़ेंगे। क्या कहा, नाटक? नाटक नहीं हो सकता, उनके सामने बात करने की हिम्मत तो नहीं होती। अगर ये सब उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, जैसे कोई नारियल को फोड़ता है। अरे अंकल आप डरते क्यों हैं? मैं हूँ ना। क्यों, जान बचाने के लिए? छी अपन का बाप होगा डरते? एक झापड़ लगाऊंगा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। मालूम है, अब बच्चे इतना सब कुछ कह रहे हैं तो आप मान जाइए ना। जरा सोचिए अपन के परिवार की वो कितनी मदद करते हैं, उनकी शादी हो जाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अंकल प्लीज मान जाइए ना। सूर्य पंडित जी को धोखा देना तो बहुत बड़ा गुनाह का काम है, पर अगर उनकी शादी हो जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब अगर तुम लोग साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आओ बेटे। बिल्कुल आइए आइए, जल्दी आओ छोटे साहब, नहाने के लिए पानी कूलिंग हो रहा है। क्या रे, सुबह सुबह क्या हो गया तुझको? कुछ नहीं, पर तुम शहर से आए हो इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि तुम्हें आसानी समझ में आ जाए। अबे शहर में तो सिर्फ पढ़ा लिखा हूँ, पैदा तो गांव में हुआ हूँ। छोटे साहब, अबे ये संसद के विपक्षी नेताओं की तरह क्या हिला रहा है? ये मेरा वीकनेस है छोटे साहब। अबे तेरी ये वीकनेस समझ में नहीं आई मेरे को। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपकी तेल मालिश करने का मन कर रहा है। आप सुनिए, ये स्टूल लीजिए, इस स्टूल पर बैठ जाइए, हिलिए का नहीं, मैं तेल लेकर आता हूँ, तेल लेकर आता हूँ मैं। इसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मालिश 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 छोटे साहब, मालिश 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 छोटे साहब, मालिश। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मालिश छोटे साहब, तेल मालिश, तेल और ये मालिश। मालिश कर रहा है कि मारा है? गुस्सा मत कीजिए छोटे मालिक, तेल मालिश मालिश कराओ, ढिम पटका तेल मालिश, तेल मालिश करा लो, ढंग से मालिश कर, वीकनेस ठीक हो जाएगा साहब। मालिश मालिश तेल मालिश। छोटे साहब मैं गौरी को टी टिफिन देकर आता हूँ। टी टिफिन क्या होता है? टी यानी पानी और टिफिन मानी चाय, मैं भी देकर आता हूँ। डिम्पटका डिम्पटका। ए सारा तेल आंख में जा रहा है, मैं नहा लेता हूँ। छोटे मालिक मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आना। ए केशव कितनी अच्छी मालिश कर रहा है तू, वाह सर के साथ दिल भी ठंडा हो गया। 10 जन को खाना खिलाने वाला हाथ है सर, आम हाथों से अलग ठंडा होगा ही। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? ठीक है मालिक, पागलों जैसी बात तो कर ही रहा हूँ। ठीक है पर थोड़ी यहाँ पे भी। शाबाश, अब बस करूँ? करता रह नहीं तो मार खाएगा। ए केशव क्या ये सब कहाँ से सीखा रहे तूने? इस सवाल का जवाब बताना भी जरूरी है क्या? क्यों नहीं दे सकता जवाब? ठीक है बड़े भैया से पूछ के बताऊंगा। भाई से क्यों पूछेगा? बड़े भैया ही तो मालिश कर रहे हैं। भैया आप